इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। शनिवार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जो 22 दिसंबर के दिन अयोध्या में होने जा रही है, इस शुभ अवसर पर अयोध्या जी से आए अक्षत कलश के उपलक्ष में नगर कन्नौत में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो बस स्टैंड जेल वाले हनुमान जी मंदिर से प्रारंभ होकर राधाकृष्ण मंदिर सतवास रोड पर समाप्त हुई। सर्वप्रथम श्री हनुमान मंदिर में अक्षत कलश का पूजन अर्चन कर यात्रा की शुरुआत करी, जिसमें मातृशक्ति के रूप में दुर्गा वाहिनी महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा सर पर अक्षत कलश लेकर सम्मिलित हुई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुसांगित संगठन भारतीय किसान संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू राजागरण मंच, अखिल भारतीय विश्व परिषद के सदस्य साथ में अपने सिरों पर अक्षत कलश लेकर धार्मिक भजनों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा अपनी पत्नी के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। रास्ते में जगह जगह अक्षत कलश का पूजन एवं पुष्पहार से धार्मिक संगठनों एवं व्यापारी बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया। देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।